नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। नमस्कार सर, कैसे हाँ नमस्कार, हैं सर आप? बस हम ठीक हैं, आप बताइए कैसे हैं। बस आशीर्वाद है आपका, बढ़िया है। और ट्रेनिंग चल रही है आपकी? हाँ मेरी सर आज इसे ट्रेनिंग शुरू हुई है, मैंने सोचा सर को सूचित कर दूं। अच्छा, तो आप कहाँ पर इस समय किस ब्लॉक में हैं? मेरा मुरादाबाद में कुंदरकी ब्लॉक लगता है सर। अच्छा, तो सभी शिक्षा मित्रों का हो रहा है ट्रेनिंग? हाँ सभी का चल रहा है, बैच वाइज। हाँ कुछ का हो गया, कुछ का चल रहा है, कुछ का बाद में हो जाएगा। अच्छा, उनके साथ टीचर्स का भी हो रहा है। तो चलिए कुल मिला करके उत्तराखंड वाला न्यूज जो था वही न्यूज जल्दी ही यूपी में भी आएगा। अच्छा सर, अरे बड़ी अच्छी बात है सर। तो जो भी टेट सी टेट पास शिक्षा मित्र हैं हो जी जाएंगे, सर। थोड़ा सा बस और धैर्य रखना होगा। कुछ लोग अच्छा, चुनाव की वजह से थोड़ा नेगेटिव हो गए थे। हाँ, अरे वो तो सर समय की अपनी अपनी सोच और विचारधारा है हर आदमी की। खैर तो जो आपने फोटो दिया ना, जी सर, वही कह रहे थे कि आप जो भी कार्यक्रम होता है, चाहे स्कूल में आप लोग जो भी बच्चों को एक्टिविटी कराते हैं, जी तो छोटे छोटे वीडियो बना लिया कीजिए। ठीक सर। अब बना करके अपना यूट्यूब चला ही रहे हैं, यूट्यूब तो चलाते हैं हम सर। तो बस अपना यूट्यूब चैनल जो है चला करके उसी पर वीडियो डाल दिया कीजिए छोटे छोटे। तो जी आप जो शिक्षा में संगठन है धीरे धीरे आपसे जुड़ना शुरू हो जाएगा और लोग आपकी वीडियो देखेंगे। क्योंकि मेरे पास लगातार कमेंट मैसेज आते हैं, सर आप कह रहे हैं कि ट्रेनिंग हो रहा है, हमारे यहाँ तो हो ही नहीं रहा है। तो ऐसे क्या है, अच्छा हाँ जहाँ चल रहा है वो जी वीडियो उन लोगों को देखने को मिलेगा, तो उनको भी पता चलेगा नहीं हमारे यहाँ भी होगा, अभी जी कुछ कुछ जगहों पर शुरू हुआ है, आगे पीछे हर जगह होगा। हाँ सर नहीं तो ऐसे वो कहते हैं कहाँ हो रहा है, आप कह रहे हैं हो रहा है, हमारे यहाँ तो हो ही नहीं रहा सर है। सर ये वीडियो वो यूट्यूब पर चैनल कैसे बनता है सर? बहुत आसान है, आप पूरे दिन यूट्यूब चलाते हैं ना, कुछ न जी कुछ सर, देखते रहते हैं। हाँ कुछ ना कुछ देखते हैं, ज्यादातर तो आपकी वीडियो देखते हैं हम। चलिए भाई, अच्छी बात है, धन्यवाद। मैं तो आपकी जैसे, सारी वीडियो देखता हूँ। अच्छा, तो हाँ जैसे आपने हमसे सवाल किया कि यूट्यूब पे चैनल कैसे बनाते हैं, जी आपके मन सर में ये सवाल आया, जी, बस यही सवाल जा करके आप लिख दीजिए यूट्यूब पर, अच्छा सर्च मारना। आपके सामने बहुत सारी वीडियो आ जाएंगे, पूरी जानकारी। हमसे आप पूछेंगे एक सवाल आज, हम कुछ आपको हाँ बताएंगे, कुछ बात समझ में आएगी कुछ नहीं आएगी। सही, ये बात है, तो ये बात ठीक है आपके सर। मन में जो भी सवाल आता है, अगर आप चैनल बनाना चाह रहे हैं तो उससे संबंधित जो भी मन में सवाल आ रहे हैं, बस किसी से न पूछिए, यूट्यूब पर ही जाइए, वहीं पूछ लीजिए, उस पर सैकड़ों वीडियो मिल जाएंगे। अच्छा अच्छा सर, लोग अच्छा लोग जो है पूरा कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर, मोबाइल में चला करके कहाँ क्या करना है, कैसे क्या क्या होगा, एक एक चीज दिखा दिखा कर बता रहे हैं, हाँ तो ये वो बात सही ज्यादा है। हाँ आसान होगा समझना। वो ज्यादा आसान होगा, ये बात सही कह रहे हैं। हम तो लगातार हर व्यक्ति से मेरी बात होती है, हम बार बार कहते हैं लोगों से कि हर कोई आए नहीं यूट्यूब पर, भाई यूट्यूब खुला है सबके लिए। सबके लिए खुला, सही बात है सर, 8 घंटे 10 घंटे आप ड्यूटी किए, सही जितने भी बात है शिक्षा मित्र हैं या कार्यरत शिक्षक हैं, उसके बाद जी, वो खाली हैं। अगर खाली आप है अगर पर डे 1 घंटा भी देंगे, सिर्फ एक जी घंटा जी हफ्ते में, सोच लें कि हमको एक ही वीडियो डालना है, तो भी जी धीरे धीरे लोग जुड़ते चले जाएंगे। जुड़ते चले जाएंगे, सही बात है एक टीचर हैं आपके, सरकारी स्कूल की ही हैं, आप जी। उनका चैनल खोज लीजिएगा, नाम हम बता दे रहे हैं, ठीक है, ममता अंकित, अच्छा सर, बहुत पॉपुलर हैं, उनके अच्छा लाखों में सब्सक्राइबर हैं। अच्छा वो कुछ भी अलग नहीं करती हैं, जो भी एक्टिविटीज स्कूल में होते हैं उन्हीं जी, एक्टिविटीज को मोबाइल में रिकॉर्ड करके वही वीडियो डालती रहती हैं। अच्छा आप उनका चैनल खोज के देखिएगा। तो कुछ भी नया नहीं करना है, जो हम डेली लाइफ में कर रहे हैं, कोई पढ़ा रहा है स्कूल में, कोई जी महिला है घर की गृहिणी है, खाना बना रही हैं, कुछ भी, जो कुछ भी वो कर रही हैं, लगता है कि नहीं ये चीज़ जो है हमें दुनिया के सामने रखना चाहिए, तो जी बस यूट्यूब हर व्यक्ति मोबाइल में चला ही रहा है, जी उसी को रिकॉर्ड करके दुनिया को दिखाना है, जी और सही बात ऐसे है लोग आपसे जुड़ते चले जाएंगे। जैसे आपने अगर डाल दिया, मान लीजिए कि 4 दिन की जो ट्रेनिंग चल रही है, तो जी जितने भी शिक्षा मित्र हैं जिन जहां जहां तक जाएगा वो सब जी आपको लाइक करते जाएंगे, जुड़ते चले जाएंगे धीरे धीरे। तो ऐसे क्या होगा कि आपको एक प्लेटफॉर्म भी मिल जाएगा, आपके साथी आपसे जुड़ भी जाएंगे। जी सही बात है सर तो एक्चुअल में है क्या, आप एक चीज जी देखिए, आप जब शिक्षा मित्र संगठन की बात करते हैं जी तो गिने चुने नाम सामने आते हैं, बड़े बड़े नाम, हाँ वो नाम बड़े हैं नहीं, जी शिक्षा मित्र संगठन संगठन भी नहीं है, लेकिन जी लोगों ने बना दिया बड़ा। बड़ा बना दिया, सही बात बस है क्या भैया, रिजवान,
और क्या क्या नाम है आपके संगठन में, कुछ नाम बताइए आप भी। हाँ, जैसे गाजी इमामाला जी हाँ इमाम हैं, आला जी हैं, अभी एक, जितेंद्र शाही जी हैं, हाँ अभी जो वो हवन करने वाले थे उनका क्या नाम है, उनका वो नाम था, रविंद्र। हाँ रविंद्र जी थे वो। हाँ तो ये नाम बड़े ऐसे ही नहीं बन गए हैं, सही बात इन है लोगों बेटा ने क्या किया, इनको भी कुछ नहीं आता पता, न कुछ आता जाता है, जी बस ये है कि खड़े हो गए जी अपना जो है कुछ भी सच झूठ बोलना शुरू कर दिए, हाँ ये तो है सर। तो लोगों ने समझा कि यही हमारे नेता हैं भैया, ये आगे आए हैं, इनको नेता मान लिया, और बस नेता मान लिए, ये चाहे सच कहे चाहे झूठ कहे सब कर लिए। हम कह रहे हैं हर व्यक्ति नेता है, सही बात है सर। हर व्यक्ति, आप भी नेता है, हर व्यक्ति खुद में नेता है भाई, आप भी अपनी बात रखिए, बना लीजिए अपना यूट्यूब चैनल। मेरी आपसे पीछे 15 दिन पहले बात हुई थी ना, तो आपने वो ऑडियो डाल दी थी अपने चैनल पे आपने, तो मेरे जिले के लोगों ने जब सुना मेरा, जैसे आपसे मेरी बात हुई, मैंने अपना एड्रेस बताया, तो उन्होंने वीडियो थोड़ी सी सुनकर तुरंत मुझे फोन करा, मुझसे बोले भाई मास साहब आपकी बात हुई क्या पीके सर जी से? मगर हाँ भाई मेरी बात हुई, मेरा ऑडियो भी जारी कर दिया सर जी ने, सुन लो। और मेरी काफी कई सारी टॉपिक पे बात हुई थी, तो बोले फिर उन्होंने सुना, सुन के बोले भाई बात तुमने तो बड़ी अच्छी रखी और सर जी ने भी तुम्हें पूरा अच्छे तरह से आंसर दिया। तो बस तो मैंने ये कहा मैं अपने सवाल पहले नोट कर लो क्या सर जी से पूछना है, सवालों पर डिस्कस करोगे तो मैं समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा तो तुम निगेटिविटी पैदा ही नहीं होगी तुम्हारे दिमाग में। भाई एक चीज बताइए कि हम लोग बात कर रहे हैं शिक्षा विभाग पर, जी अगर शिक्षा विभाग से जुड़ी चीज को हर चीज हम जानकारी कर लें, जी अब बैठ करके हम लोग चर्चा करेंगे ये चीजें हैं ऐसे ऐसे हैं, तो चर्चा करने पर कुछ तो निष्कर्ष निकल के आएगा, कुछ तो निष्कर्ष निकलेगा। सही बात है, ये बात सही है सर तो आपकी भी जहां तो। बिल्कुल अंधेरे में तीर चला रहे हैं कि किसी ने कुछ भी कह दिया, बैठ करके हम लोग तार्किक चर्चा करें। तो लेकिन होता क्या है कि हम चाहते नहीं है किसी को हम कुछ गलत कहें, लेकिन कुछ लोगों को मेरी बात नहीं पसंद आती है, आ जाते हैं उल्टा सीधा बोलें, तो भाई आप शिक्षा मित्र हो सही और बात हम है, बीएड वाले हैं, आपकी हमसे ना दुश्मनी है ना हमारी आपसे दुश्मनी नहीं है, सर कोई दुश्मनी नहीं, सही बात है, आपको अगर मेरी बात समझ में आ रही है सुन लीजिए, नहीं समझ में आ रही है आप सही मत बात सुनिए। मत सुनिए, सही बात है, अगर कोई हम तो ये भी कहते हैं भाई, हमारे पास जो भी लोग कॉल करते हैं, हम तो ये भी कहते हैं भाई कोई जरूरी नहीं कि हमें हर चीज की जानकारी हो ही, हो सकता है सही कि बात, बातचीत हो आप लोगों से, कुछ जानकारी हमें ना हो, आप लोग के माध्यम से जानकारी हाँ हो जाए। सही बात है, आप लोगों सही बात है। और हम तो ये कहते हैं कि हर व्यक्ति मोबाइल चला रहा है, यूट्यूब है, जो भी इंफॉर्मेशन आता है वो शेयर करे ना, हर जगह यूट्यूब पर डालता रहे, सही बात है, जैसे और कोई लोगों को भी सूचित हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए आपके यहाँ 4 दिन की ट्रेनिंग के लिए लेटर जारी हुआ होगा, आपको मिला होगा लेटर, हाँ व्हाट्सएप वगैरह पे आ जाता है, व्हाट्सएप व्हाट्सएप पर लिस्ट मिली थी तो बस कुछ नहीं उसी फोटो को लगा करके जी, उसी लेटर को पढ़ दीजिए और एक वो बन एक वीडियो बन गया और गया, अपने चैनल पर डाल दीजिए। सही बात है, लोग देखेंगे और अब जो ऐसे है क्या होगा कि हर शिक्षा मित्र आपके चैनल के ऊपर दिखेगा, अच्छा यहाँ पर हर चीज अपडेट ये देते रहते हैं, मिल तो रहा है उनको भी, तो मिल रहा है उनको भी, सही उनके बात विभाग से सारी जानकारी उनको मिले, लेकिन आपके चैनल पर वही चीज उनको मिल रही है तो वो जरूर ज्वाइन करेंगे कि हो सकता है कभी कोई चीज हमें ना मिले तो यहाँ मिल जाएगा। है, यहाँ मिल जाए, ये बात सही कह रहे अब हैं। उससे क्या होगा कि आपके पास जो कुछ आ रहा आप शेयर कर रहे हैं उनको भी मिलेगा, किसी के पास नहीं होगा तो उनको भी मिलता जाएगा। तो कुछ नहीं, आज जब भी आप फ्री रहिए जी YouTube खोलिए, और YouTube पे अच्छी बातें भी बताई जाती हैं, खराब चीजें भी हैं वहाँ, जी सही हमेशा बात है, ध्यान रखिए कि हमेशा अच्छा और बुरा साथ चलता है, साथ चलता है, ये बात तो सही कह रहे हैं YouTube आप। पर आपको सही जानकारी देने वाले भी मिलेंगे और मिसगाइड करने वाले, गलत जानकारी देने वाले भी। सही बात है सर, सही कोई बात कहेगा कि जो है रोटी खाना फायदेमंद है, तो कोई दूसरा व्यक्ति बता रहा होगा नहीं भैया रोटी खाने से ये नुकसान होते हैं, नुकसान तो होने हैं, सही लेकिन बात, हमें समझना पड़ेगा जो नुकसान बता रहा है वो किस आधार पर बता रहा है, उसका आधार क्या है, आधार क्या है, सही गलत बात वो है भी सर, नहीं है लेकिन हमें समझना पड़ेगा। सही बात है, तो कभी कभी कुछ गलत इंफॉर्मेशन भी लोग दे देते हैं, तो उन चीजों को छोड़ दिए, बस ये कि हर चीज को देखना है समझना है और सीखना है, तो पर डे आप नया यूट्यूब से सीखिए कि यूट्यूब पर चैनल कैसे बनाते हैं, वीडियो कैसे अच्छा डालते हैं, वीडियो जी, बनाने के लिए क्या क्या हमें वो नए नए एप्लीकेशन आ गया है, आवाज कैसे डालें क्या करें, सब मिल जाएगा यूट्यूब पे। हमसे आप कितना पूछेंगे, कितने दिन बात होगी हमसे, सही बात है, ये बात सही कह रहे हैं हमसे आप, कोई भी पूछता है हम कहते हैं भैया आप हमसे सवाल न करके आप यूट्यूब पर सवाल करो, यूट्यूब पर सवाल करो, आपका सही मन बात, करेगा रात के 12 बजे सवाल करो, आपका मन करे दिन में 12 बजे करो, वो सब बताएगा उसी वक्त।
अच्छा सर, इस ट्रेनिंग में हुँ। बिल्कुल ये लोग जो है जो हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं एआरपी सर, हुँ। तो हमारे एक साथी और थे, वो हमारे साथ बैठे थे, और मेरी उनसे इस बात पे चर्चा होती रहती है। मैं बोला भाई, हमें पीके सर जी ऐसे ऐसे बता रहे हैं, उनके चैनल पे आप भी ज्वाइन कर लो, आपको भी जानकारी मिलेगा। तो बोले, अरे यार ये तो बहुत दिनों से सुन रहे हैं, ऐसा हो रहा हो रहा। तो आज जैसे ट्रेनिंग में हम पहुंचे, वो भी पहुंचे थे, हाय हेलो हुई, तो बोले भाई ट्रेनिंग तो ये शुरू हो गई। तो मैं बोला अभी ट्रेनिंग शुरू हुई है, अब इसमें देखते हैं हमें और आपको वो क्या क्या समझाती हैं सर जी। अब जब उसमें प्री प्राइमरी का सर ने टॉपिक बोल कर शुरू करा, कुछ नोट करवाया और कुछ उन्होंने समझाया, तो मैंने उन्हें जो है हाथ पे हाथ मार के मैंने कहा, भाई बताओ यहीं से शुरू होगी कहानी ना, अब समझने की देर है, तुम लोग जोड़ के नहीं चलते हो, जोड़ोगे अब एक दूसरे उनसे, से। अब शिक्षा मित्रों से सवाल किया जाए कि भाई अभी तक शिक्षा मित्र तो प्राइमरी में थे, फिर ये जी जो प्री ट्रेनिंग चल रही है इसमें प्री प्राइमरी कहाँ से आ गया? प्राइमरी कहाँ से आ गया? तो तो लोग समझते नहीं, और नई शिक्षा नीति में कक्षा 1-2 को प्री प्राइमरी में ही डाला गया है। जी जी बिल्कुल अच्छा, अभी कुछ शिक्षा मित्रों का सवाल होता है कि सर जी ये तो ट्रेनिंग शिक्षा मित्रों को भी दिया जा रहा है और सारे शिक्षकों को भी दिया जा रहा है, जी। तो अब उनका उद्देश्य क्या है? उनको भी ये ट्रेनिंग दिया जा रहा है, नुकसान तो नहीं हो रहा है? जी और ना नुकसान नहीं होगा, सर, और सरकार का ना अलग से कुछ खर्चा हो रहा है? कुछ नहीं जी। हो सकता है वो अपनी पॉलिसी को किसी को जो है गेस न करने देना चाहते हो कि कोई समझ ना पाए हम क्या, इसलिए चलो भैया दोनों को दे दो ट्रेनिंग, हाँ कोई सही बात है समझने सर, ना पाए, क्योंकि जानते हैं कुछ अभी देखिए चुनाव था, विपक्ष कितने मुद्दे रख करके चुनाव लड़ रहा था, हाँ सही बात है, बहुत मुद्दे रख करके लड़ रहा था, सही बात अब कुछ लोग कहेंगे कि चुनाव तो अभी है नहीं, फिर क्यों छुपा रहे हैं? भाई है। चाहे चुनाव हो ना हो, ना हम हो अपनी चीजें क्यों किसी को बताने जाए, हम क्यों क्या किसी करने को वाले हैं, बताए, सही बात है। हम अपने तरीके से करेंगे। तो कुल मिलाकर के आप लोग की प्री प्राइमरी की ट्रेनिंग 4 दिन वाली क्रमशः जिलेवार हर जगह दी जा रही है। हाँ सर बिल्कुल सर, दी जा रही है। और आप जो बता रहे हैं कि उत्तराखंड वाला मॉडल लागू होगा, तो ये सर संभवता और कब तक मान ले इंतजार करना? देखिए एग्जैक्ट समय हम बार बार कहते हैं कि हाँ वो एग्जैक्ट तो तो हो ही नहीं सकता, सही जब बात है जब जियो जारी होगा तभी पता चलेगा, या घोषणा होगा तभी पता चलेगा। जी। अनुमान लगाया जा रहा है कि अप्रैल से संविदा समाप्त करने की बात है, हाँ तो हो सकता है अप्रैल से संविदा समाप्त करना हो तो इस तरफ बढ़े आगे परमानेंट करने की तरफ। जी। अच्छा, और गवर्नमेंट की नीतियां होती हैं, एक समय रखा जाता है, कोई जरूरी नहीं कि वो चीज उसी समय पर हो, कभी कभी थोड़ा लेट भी होता है। जी। तो कुल मिलाकर के होना तो तय है, क्योंकि नई शिक्षा नीति में लिखित में है ये, जी। जो अभी कुछ लोग चुनाव के कारण कह रहे थे अरे अखिलेश जी तो मंच से बोल रहे थे, घोषणा पत्र में लिखे थे, बीजेपी ने नहीं लिखा, उनको जा करके बीजेपी और सपा छोड़ करके नई जी शिक्षा नीति पढ़ना चाहिए, उसमें तो लिखा हुआ है, तो अलग से क्या बोले वो। सही बात है, सही बात है सर। तो उसमें जो कुछ लिखा है होना तय है, ट्रेनिंग शुरू हाँ हो गई है, अब चाहे वो अप्रैल में कर दें चाहे जुलाई में कर दें, कुल मिलाकर शुरुआत हो गई है। हो गई है हाँ सर, एक नई शिक्षा नीति के तहत एक पोस्ट बनाकर डाली है, किसी मतलब पढ़े लिखे आदमी है, कोई टीचर सी है शायद, तो उन्होंने एक 21 नंबर का पॉइंट लिखा है, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। उन्होंने लिखा है कि शिक्षा मित्र मतलब पैरा टीचर गेस्ट टीचरों की नियुक्ति नहीं होगी, अगर वे पहले से नियुक्त होंगे तो राज्य सरकारें सरकार को उन्हें नियमित करना होगा या हटाना होगा, तभी केंद्र सरकार द्वारा एसएसए के अंतर्गत केंद्रांश दिया जाएगा, अन्यथा केंद्र सरकार मानने के नाम पर उस राज्य को किसी तरह की राशि नहीं देगी आप ये जो पढ़ रहे हैं ये जी। उनका लिखा हुआ पोस्ट है या कहाँ पढ़ रहे हैं? नहीं ये एक तरह से नई शिक्षा नीति के तहत लोगों ने पॉइंट डाले हैं, क्या मतलब इस पे ये होगा शुरू से, मैं आपको एक आध पॉइंट और पढ़ के सुना रहा हूँ कि ये है, फाइनल हो गई नई शिक्षा नीति, लागू करने की डेडलाइन अप्रैल 2022, लेटर जारी। अच्छा, हम समझ गए, एक मैसेज जो है वो सर्कुलेट हो रहा है, हमारे पास भी आया था, हम पूरा नहीं पढ़े उसे। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा तो एक्चुअली क्या है कि हर जी व्यक्ति नई शिक्षा नीति को पढ़ रहा है, जी और कुछ बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं जो कि जो है नेगेटिविटी फैलाते हैं, कुछ बड़े बड़े विद्वान हैं जो उसमें से अच्छे अच्छे पॉइंट ढूंढ के भी निकालते हैं, निकाल लेते हैं, सही बात है ठीक है। जी तो ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है उसको छोड़ दीजिए, कौन क्या लिख जी रहा है, हम तो हाँ बार, सही बात, हम अब तक हमें लगता है कम से कम 50 बार हम व्हाट्सएप पर नई शिक्षा नीति शेयर कर चुके होंगे हर हाँ ग्रुप आपने में, बहुत बार डाली है, सही बहुत बार बात है सर डालते हैं ताकि लोग उसको पढ़ें, जी। तो एक बार फिर से हम जो है सारे ग्रुप में डाल देंगे, तो जो उसमें लिखा है वही जी सत्य है। और उसमें एक लाइन है कि जी
पैरा शिक्षक वहां पर संविदा की बात जो भी है या जी, शिक्षा में तो या अनुदेशक या ऐसा कुछ नहीं लिखा है, वहां सिर्फ एक शब्द है पैरा शिक्षक। पैरा पैरा शिक्षक शिक्षक में ये सारे आ जाते हैं। तो उसमें यही है कि अब पैरा शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होगी जी, खत्म और संविदा ये पैरा व्यवस्था जो पैरा शिक्षक की व्यवस्था है ये समाप्त हो किया जाएगा। जी जी यानी कि जी भविष्य में अब नियुक्ति भी नहीं होना है नियुक्ति नहीं और ये होना व्यवस्था भी खत्म करना है। है जी। अब इसका एक लाइन का अगर चर्चा किया जाए तो घंटों चर्चा हो सकता है। इसका विस्तृत रूप अगर आप देखना चाहें जी इसका सर, अर्थ क्या है, तो जी जो नई शिक्षा नीति 108 पेज की आई है इससे पहले मसौदा आया था। हाँ, आया था मसौदा करीब वो 890 के आस जी पेज थे, उसमें करीब 900 के आसपास, जी जी तो उसमें इस पर विस्तृत रूप में सब कुछ था, वो भी हम पढ़े थे। तो अच्छा देखिए एक हुआ कि हम आपको पहले सिस्टम से बाहर कर दें जी, और फिर हमारा दूसरा कोई रास्ता खुला हो आप वहां से एंट्री मार लीजिए। एंट्री मार लीजिए दूसरा ये हुआ कि हम पहले दूसरा रास्ता खोल दें जी और आप खुद से वहां एंट्री मार लीजिए। तो जी आप जब वहां एंट्री मार ली तो अब हमको यहाँ से आपको निकालने की जरूरत नहीं है। निकालने की जरूरत नहीं, सही तो बात है गवर्नमेंट अभी किसी को, हमें नहीं लगता है कि इस तरह से करेगी कि निकालने वाला जो जहां है जैसे है ट्रेनिंग वगैरह ये जो तो भी है, मुझे भी लगता है सर, निकालने वाली तो बात कहीं तक नहीं हो पाएगी ऐसी। हाँ इस तरह का नहीं करेंगे। जो भी होगा चाहे वो शिक्षा मित्र हो चाहे अनुदेशक हो वित्त विहीन हो जो भी हो, संविदा जी खत्म सारे होंगे क्योंकि नई जी शिक्षा नीति में ये होना है। जी लेकिन गवर्नमेंट ऐसा करेगी जो जो होना है यानी कि जी प्री प्राइमरी का होना है जी जी प्राइमरी वाला होना है ये सारी चीजें शुरुआत करेगी। तो जो भी व्यक्ति इसमें आ रहा होगा जहां जहां भी जी उनमें से कोई एक पद वो ले लेगा जी और जहां कहीं भी वो पैरा शिक्षक के रूप में संविदा शिक्षक के रूप में या अनुदेशक या शिक्षा मित्र या जो कुछ भी जहां भी होगा वो वहां से खुद ही छोड़ के इधर आ जाएगा। इधर आ जाएगा, सही बात है और सर जैसे ही वो इधर ज्वाइन कर लेगा, अधिकतर लोग ज्वाइन कर चुके होंगे, तो जी गवर्नमेंट को अब हटाने के लिए कोई बचेगा नहीं। अगर बच भी गया होगा इक्का दुक्का तो जी वही बचा होगा जो किसी काम का नहीं होगा, यानी वो कहीं किसी कैटेगरी में नहीं आ पा रहा किसी होगा। कैटेगरी में नहीं आ रहा होगा, ये बात सही कह रहे हैं सर आप नहीं तो अब गवर्नमेंट, हम जहां तक देख रहे हैं जैसे शिक्षा मित्र की बात करें, टेट पास जी वाले हैं तो जी प्राइमरी में रास्ता बना ही रहे हैं, जी होना ही होना है, हम बार बार बता रहे हैं। हाँ जी, और प्रीम जो नॉन टेट हैं इनके लिए रास्ता तैयार किया गया, प्री प्राइमरी के लिए 1-2 को ले आए प्री प्राइमरी में। जी अब इसके अलावा कौन सा ऐसा शिक्षा मित्र होगा जो इन दो कैटेगरी में ना आता हो? ना साहब, कोई ना है, इनके अलावा तो कोई कैटेगरी बचती ना, शिक्षा मित्र की बेकार कही है। और अगर मान लेते हैं कि कोई ऐसा शिक्षा मित्र अभी होगा जिसकी जी ट्रेनिंग भी नहीं हो पाई होगी, हाँ, 1% में तो माना भी जा हाँ सकता मान है लेते हैं कुछ जी ऐसे रह गए होंगे जिनकी ट्रेनिंग नहीं हुई होगी, जी तो जब अब सवाल उठता है कि जब हम मान लीजिए 1,72,000 शिक्षा मित्र हैं उसमें से हम 1,50,000 के लिए 1,60,000 के लिए सोच रहे हैं, तो 10, 5,000 या 2,000 4,000 होंगे उनको सोचने में क्या जाता है, वो कौन सा गुनाह किए हैं? कुछ भी नहीं आता है। अच्छा, सर अभी पीछे मैं समझता हूँ 1 वर्ष होगा या शायद 8 महीने बीते होंगे, जिन लोगों की बीटीसी के या डीएलएड के सेमेस्टर परीक्षा छूट गई थी, उसके लिए भी शायद सरकार ने एक आदेश निकाला था कि उनकी छूटी हुई परीक्षाएं जो है आगामी संभावित तिथियों में करवाई जाए। अच्छा। तो मतलब वो भी तो यही था कि किसी की अगर छूट गई है और डिग्री नहीं हो पाई है पूरी, तो उसको कर 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 लिया जाए पूरा। हाँ देखिए ये देखा जाता है कि समस्या आई कहाँ से। अब सब लोग एग्जाम दे रहे हो, एक दो व्यक्ति कोई कारण से ना आए हों, बीमार हो गए हों या पहुंच ना पाए हों या उनको देना ही नहीं, अब उनके जी लिए गवर्नमेंट अलग से तो नहीं सोचने जाएगी। ना, ये सही हाँ बात है लेकिन टेक्निकल कहीं भी प्रॉब्लम आई है जी तो उस टेक्निकल प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन निकाला जाएगा भाई, कि कुछ लोग छूट गए हैं किन्हीं कारणों से, उनके लिए फिर से हम करा लेंगे। फिर से करा लेंगे, सही बात है सर, ये तो बस टेक्निकल चीजें देखी जाती है सिस्टम में जी कि व्यक्ति ने खुद क्या गलती किया उसके हम जिम्मेदार नहीं हैं। जी अगर सिस्टम की तरफ से टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम आ गई है, कहीं से कोई दिक्कत हो गई है, तो कोशिश रहता है कि मौका दे दिया जाए। मौका दे दिया और वो जाए, भी सही बात मौका देना नहीं देना भाई वो भी उनके अधिकार क्षेत्र में आता है, सही बात है साहब, देंगे तो उनके अच्छी तक बात है, नहीं भी देंगे तो हम आप कुछ नहीं कर सकते। नहीं कर सकते साहब, सही बात है, प्रयास कर सकते हैं कि थोड़ा दबाव बनाया जाए, सही जाकर बात बातचीत किया जाए, अपनी बात रखी जाए, ये सब करना चाहे लोग करते हैं, करते रहेंगे, धरना वरना जी जो भी करते हैं वो जी अब मानना ना मानना उनके ऊपर है। हाँ, मानना ना मानना तो उनके ऊपर है, सही बात है सर, तो बिल्कुल कुल मिलाकर के आपकी 4 दिन की ट्रेनिंग चल रही है और उम्मीद हम कर रहे हैं कि लगभग सभी जिलों में क्रमशः शुरू हो गए होंगे। हाँ, शुरू धीरे धीरे हो ही गई सभी जिलों में अच्छा ये कैसे हो रहा है, उसमें था कि जो है बैच वाइज, तो बैच कैसे बना रहे हैं?
बैच बना रहे हैं ये, लगभग 80 टीचर्स का एक बैच बना रहे हैं ये। अच्छा तो 80 कैंडिडेट बैठते हैं उसमें, महिला पुरुष टीचर शिक्षा मित्र सभी बैठते हैं, और 2 ARP सर जो है ट्रेनिंग देते हैं, और एक ब्लॉक में, हमारे ब्लॉक में अभी अब जो है फिलहाल शुरू में तो हुए थे 2 बैच स्टार्ट, ए और बी, लेकिन वर्तमान में मार्च मार्च में ट्रेनिंग खत्म करानी है हमें अपने ब्लॉक में। ABSS खंड शिक्षा अधिकारी सर का ये कहना था कि मुझे मार्च मार्च में ट्रेनिंग खत्म करानी है सभी टीचरों की अच्छा अच्छा अपने ब्लॉक की, तो उन्होंने 5 बैच स्टार्ट करा दिए। उन लोगों को इंस्ट्रक्शन मिला होगा ऊपर से कि कितने समय में कंप्लीट करना है। हाँ, इंस्ट्रक्शन ये मिला हुआ है कि अपने अपने जिले को जल्द से जल्द निपटाया जाए। अच्छा, तो तो मुझे मुझे उम्मीद ऐसा किया जाए। लगा, हाँ मुझे आपकी बात पे और इधर देख के ये लग रहा है कि उम्मीद की जा रही है कि अप्रैल में ही जो है काम खड़ा ना कर दिया जाए। अगर कुछ स्टेप्स होंगे विभागीय काम जी तो हो सकता है ये अप्रैल ये मार्च में खत्म करके विभागीय काम शुरू कर देंगे जो भी उनका हो। भाई बहुत सारी चीजें होती हैं विभाग में, होती हैं, हमको आपको दिखती नहीं है नहीं वो, दिखती, सही बात तो है। हम लोग को लगता है कहीं कुछ हो ही नहीं रहा है, लेकिन विभाग में तो अंदर चल रहा होता है। तो उम्मीद किया जाए कि अप्रैल में होगा ही होगा, नहीं होता है हाँ, तो जो भी विभागीय चीजें हैं वो शुरुआत तो हो ही जाएंगी। शुरुआत हो अप्रैल ना सही, जाएगी थोड़ा एक आध थोड़ा महीना और और दिन। लेट। हाँ, क्योंकि आज मेरी ARP सर से भी अलग बैठ कर 10 मिनट बात हुई थी, अच्छा और अच्छा मैंने ये कहा था, मन का सर शुरू में तो आपने 2 बैच स्टार्ट किए थे और अब जो है 5 बैच चल रहे हैं। मैंने जानना चाहा मन की सर थोड़ा शीघ्र करने का क्या कारण है, मैं जानकारी चाह रहा हूँ, वैसे मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं आपसे ये सवाल करूं। तो बोले भाई ये तो शासन की बात है, हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ अभी खंड शिक्षा अधिकारी साहब ने ये कहा था कि भाई ट्रेनिंग के ज्यादा बैच बना दिए जाएं, और जो है जिससे कि ट्रेनिंग जो है हो सके सात समय लगभग जो है पूर्ण करवा ली जाए। अच्छा, एक नजर आप डालिए जी सर तो अभी पिछले कुछ साल में जी BSA वगैरह के पदों पर नियुक्तियां हुई हैं, जी हुई थी। तो जितने भी पद जिस भी जिले में खाली थे, देखिए नीचे वाला काम करने के लिए ऊपर के अधिकारी ही करवाते हैं। जी नीचे अब अगर कहीं ऊपर अधिकारी ही नहीं रहेगा तो नीचे का काम होगा कैसे? का होगा कैसे, सही बात तो है। उस वक्त भी हमने एक पोस्ट लिखा था, तो वही लिखा था हमने कि ये अब शुरुआत हो गई, ऊपर के पद भरे जा रहे हैं जी ताकि इन अधिकारियों को जो इंस्ट्रक्शन देना है, जो भी काम कराना है, फिर उसकी वजह से कहीं कोई रुकावट ना आए। जी तो अभी देखिए सभी जिलों में हो रहा है, तो अगर कहीं पर मान लेते हैं कि ARP सर ना हो, BSA वगैरह जो भी होते हैं ये लोग ना जी रहें, तो उस जी जिले में वहां पर काम कैसे होगा, जी जी दिक्कत आएगी। तो दिक्कत पहले आएगी। पहले जो है इसीलिए ऊपर के पद भरे गए हैं जी ताकि अधिकारी वर्ग वाले सारे पद भरे रहेंगे, तो इन्हीं हाँ, ये अधिकारियों से हम नीचे के लोगों का जो भी होना बिल्कुल है बिल्कुल कराएंगे। सही कह रहे हैं सर आप। खंड शिक्षा अधिकारी पद जो थे वो कम थे, पहले कम थे खंड मतलब शिक्षा अधिकारी। हाँ, अब हमारे जिले में भी कुछ ब्लॉक ऐसे थे जो एक एक खंड शिक्षा अधिकारी दो दो ब्लॉक देख रहे थे। अभी अब नियुक्तियां होने के बाद सबको अलग हाँ, नियुक्ति अपना होने के बाद देखना। सब सबके अलग अलग मिल गए अपने अपने ब्लॉक, और उसके बाद ARP बन गए, और ARP अब प्रशिक्षण, पहले आंगनवाड़ियों को प्रशिक्षण दिया है उन्होंने, और अब ये टीचर्स और शिक्षा मित्रों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। तो देखिए सिस्टम ऐसे ही चलता है, हमारे जी जी PM हो या हमारे CM हो या फिर हमारे डिफेंस के जो भी अधिकारी हैं, वो स्वयं नहीं काम कर सकते। सही बात है सर। अगर हर व्यक्ति ये कहे कि हमारे CM, हमारे PM या फिर डिफेंस का जो बड़ा अधिकारी है वो खुद जा करके ये काम करे, तो ये संभव ही नहीं है। ऊपर ना ये नहीं का व्यक्ति संभव, इंस्ट्रक्शन देता है, सही वो अपने बात नीचे है, वाले को देगा, उस वो नीचे अब वालों को दो, हाँ अब वो अपने नीचे वालों से करवाएगा। एक चैन है बनी हुई, सही तो चैन के थ्रू ही है सारा काम होता है। बात है सर, सही तो कुल मिलाकर के जो भी पद खाली थे खंड शिक्षा अधिकारी वगैरह जो भी, वो इसी पर्पज से भरे गए ताकि जो है जब ये सारी चीजें शुरू हो तो मॉनिटरिंग में और सारी चीजें प्रशासनिक तौर पे कराने में कोई दिक्कत ना आने पाए। तो सर ये बात क्लियर हो गई कि उत्तराखंड मॉडल वाली प्रक्रिया लगेगी यूपी में भी। हाँ, कुछ प्रॉब्लम हो गई शायद आपके मोबाइल में, आवाज ठीक से नहीं आ रही। अब आ रही है सर, आवाज आ रही है, हाँ, आ रही है। मैं कह रहा हूँ ये क्लियर हो गई कि उत्तराखंड मॉडल वाली प्रक्रिया लागू होगी यूपी में। वो तो 100% उत्तराखंड मॉडल ना कहिए,
अच्छा इसको आप नई शिक्षा नीति ही कहिए, हाँ क्योंकि नई नई शिक्षा नीति शिक्षा कही है, सॉरी मैंने उत्तराखंड मॉडल एक ज्यादा रटा रटाया नाम कह दिया एकदम। अभी देखिए, नहीं आपने उत्तराखंड मॉडल जो कहा, जी जल्द ही आप देखेंगे हर राज्य कहेंगे यूपी मॉडल, यूपी मॉडल बिल्कुल जो कायाकल्प वगैरह जितना भी कुछ चल रहा है जी वो सब हो जाने के बाद जो रूप सामने आएगा ना, जी अभी सारी नियुक्तियां हो जाएंगी, शिक्षा मित्र चले जाएंगे प्री प्राइमरी में, और जो टेट पास हैं वो प्राइमरी में, उसके जी बाद जब स्कूल अच्छे से चलने लगेगा, रन करने लगेगा, जी और लाखों की संख्या में स्कूल हैं, जी हाँ लाखों की संख्या में होंगे सर, तो यूपी मॉडल फिर कहा जाएगा। यूपी मॉडल कहा अभी जाएगा सर। तो कुछ लोगों के आंखों पर जो है पता नहीं कौन सा चश्मा चढ़ा है, वो दिल्ली मॉडल चाहते हैं, उनको समझ में नहीं आता है दिल्ली मॉडल संभव ही नहीं है यूपी जैसे राज्य में। संभव ही नहीं है, सही बात है, वो छोटा राज्य है हमारा, बहुत बड़ा राज्य है। एक स्कूल को अगर हम बहुत बड़ा बना दें उससे क्या होगा? नहीं जी सर, एक स्कूल से कुछ ना हो पाएगा अब गाँव। किसी अगर एक किसी बच्चे का सिर्फ एक ही अंग बढ़ता रहे, बड़ा होता रहे, बाकी अंग बढ़े ही ना, जी तो कैसा लगेगा वो? नहीं ये वो तो ऐसा लगेगा पता ना क्या बात है। तो सारे अंग एक समान बढ़े तो अच्छा लगता है, तो दिल्ली मॉडल जो है वो हम उसको उचित नहीं मानते, क्योंकि एक दो स्कूल पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, बाकी सब पर नहीं। सही बात है, और बिल्कुल सही यूपी है। जी मॉडल जो है, यहाँ पर जो भी 1,58,000 के आसपास प्राइमरी स्कूल हैं, 1,87,000-88,000 आंगनबाड़ी हैं, आंगनबाड़ी है, सही बात है इक्वल सर। रूप में सबके साथ सब कुछ किया जा रहा है, और अगर विशेष योजना कुछ चलाई जा रही है तो हर क्षेत्र में थोड़ी थोड़ी संख्या लेकर के, हाँ सही बात है सर, थोड़ी थोड़ी संख्या लेकर के। तो पूरे यूपी में एक तरह का देखने को मिलेगा। अगर आपके जिले में 10 स्कूल को विशेष तौर पे कुछ योजना दी जा रही है, तो जी हर जिले में 10 को दिया जा रहा होगा। हर स्कूल, हाँ सही बात है, हर जिले में 10 को दिया जा रहा है। तो बस जल्द ही यूपी मॉडल सामने आएगा, सब फॉलो सभी राज्य यूपी मॉडल को फॉलो करेंगे। करेंगे, सही बात है सर। और पता नहीं क्यों शिक्षा मित्र कभी कभी कुछ नेगेटिव हो जाते हैं, लेकिन शिक्षा मित्र का योगदान कल भी था, आज भी है, और रहेगा जब तक रहेंगे शिक्षा मित्र। हाँ सही बात है सर। और पता नहीं क्यों बस एक ही चीज दिमाग में बैठ गया उनको कि ये सरकार हमारे विरोधी है। अब ये तो सर अब ऐसा है, कुछ लोग ऐसा ज्यादा परेशान हो गए, उनके दिमाग के हर एक की सोचने की शक्ति, सर आप तो सब बातें जानते हैं, हर एक की सोचने की शक्ति अलग होती है, समझने की शक्ति अलग होती है, असल में बस देखिए, हर व्यक्ति का सोचने समझने की शक्ति जो है वो तो है ही है, जी। लेकिन जो नकारात्मकता फैलाने वाले लोग हैं, नेगेटिव बात करने वाले, भड़काने वाले, बरगलाने वाले लोग, ये खासतौर पर ये नेता वर्ग, जी आप जितना ग्रुप देखेंगे, चाहे बीएड का हो, बीटीसी का हो, शिक्षा मित्र का हो, किसी संगठन में देखिए, जी फेसबुक पर जितने ग्रुप मिलेंगे आपको उन्हीं नेताओं के मिलेंगे जो पैसा चंदा मांगते हैं, हाँ धरना वरना सर कराते सही हैं। बात है, ये हम बात कहते सही हैं भैया आप भी नेता हो, आप अपना खुद एक ग्रुप बना करके सारे शिक्षा मित्र को जोड़ लो ना फेसबुक, आप भी अपना ग्रुप अपना बनाओ ग्रुप यूट्यूब पर, बनाओ आप भी अपना सर, चैनल बना करके सारे शिक्षा मित्रों को आप भी जोड़ो, आप भी नेता बनो, हर व्यक्ति नेता बन जाओ ना, तो फिर इनकी सही औकात बात, क्या रह जाएगी? भाई सही बात है, सही बात है आप सब लोग अपना किए रहोगे, सब लोग आप अपना गुट जी। बनाए रहोगे, उसके बाद सर्वसम्मति से कि नहीं हमारे बात को रखने के लिए फला व्यक्ति को हम लोग प्रतिनिधित्व देते हैं, कि ये व्यक्ति अब हम लोग की सहमति से, वो भी अपने मन का नहीं करेगा, हम सबकी सहमति से जो तय होगा कि ये चीज बात रखनी है, रखनी है, सही हम बात है सबके भले की बात है, वो चीज वो करे। लेकिन होता क्या है, यहाँ अपने मन का उछलते रहते हैं नेता। सही बात है, उनके कहने से लोग जो जुड़े हुए होते हैं वो वैसे ही मान लेते हैं। अगर उस समय सपा सरकार में जब टीटी परीक्षा देने की बात आई थी, अगर जी नेताजी लोग टीटी के लिए एग्री हो गए होते, हाँ सही बात है, तो सर हो सकता था कि मतलब आज ये दिन ना देखना पड़ गया होता। बिल्कुल, तो अब जिन नेताजी के बारे में हमने सुना है कि टीटी के लिए मना किए थे, हम तो सुनते हैं आज भी वो टीटी नहीं पास कर पाए हैं। हाँ सर बताते तो ऐसे ही हैं लोग, एग्जैक्टली तो हमें भी नहीं पता तो आप है। सोचिए वो नेताजी हैं और आज तक टीटी नहीं पास कर पाए, सही और न बात, जाने कितने हजारों लोगों ने टेट क्या सीटेट पास कर लिया। सीटेट पास कर ले, ये अच्छा बात अभी ठीक है सर। एक चीज और बताएं, एक शिक्षा मित्र ही हैं, कोई महिला जी हैं, जी उन्होंने अभी कल परसों हमें मैसेज किया, अपना सर्टिफिकेट भी हमें जो है पीडीएफ सेंड किया, जी सर मेरे 7 नंबर और बढ़ गए। तो हम कहे 7 नंबर और बढ़ गए, मतलब इसका मतलब पहले क्या भी कुछ नंबर था क्या? तो फिर हमने पूरा मैसेज उनका पढ़ा, तो उन्होंने लिखा है सर मेरे 7 नंबर और बढ़ गए, सर्टिफिकेट हमने खोला तो उसमें था 107 नंबर। तो इट अच्छा मीन्स वो ये कहना चाह रही थी कि इसके पहले मेरा 100 नंबर था 100 नंबर सीटेट, वो था 100 नंबर से पास की थी, अभी उन्होंने फिर से दिया है
और जी अब की बार उनका 107 हो गया। 107 हो गया, सही बात है। देखिए ऐसे ऐसे भी शिक्षा मित्र हैं हाँ जो जी कि सही, एक बार नहीं कई हर बार सीटेट पास कर रहे हैं और 100 से ऊपर नंबर ला रहे हैं। हाँ सही बात है सर, ऐसे लोग भी हैं। तो ऐसे लोग अगर आगे आए होते तो जेन्युइन बात करते ना, लीगल बातें करते, हाँ यही तो है, लेकिन वास्तविकता यह है कि ऐसे लोग आगे नहीं आ पाते हैं जो जी निठल्ले होते हैं, जो कुछ नहीं करने लायक रह जाते हैं वही नेता बन जाते हैं। वही नेता बनते हैं, ये बात सही कह रहे हो सर। कोई संगठन देखिए, शिक्षा मित्र में भी देख लीजिए, हम तो बीए टेट वाले हैं, हम तो देखते ही हैं, हमारे यहाँ सुनील यादव जैसे लोग और सुनील यादव की नीलकंठ आपने पीछे भी कई दिन पहले काफी पोस्टर डाली, मैंने देखा तो मैं के सर जो है बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सुनील यादव जी के पीछे लोग जो है कैसे पागलों की तरह पड़े हुए हैं। अब वो व्यक्ति पूरे प्रदेश में सपा का प्रचार करवाया, हर व्यक्ति को लगा दिया रैली में, जाओ भीड़ इकट्ठा करो, जयकारा लगाओ। अच्छा मतलब अभी नए पोस्ट जो आ रहे हैं आप देखेंगे, वो चुनाव लड़ने की बात कर रहा है, आप जो भी चुनाव लड़ने, तो वो अच्छा अपना बैकग्राउंड तैयार कर रहा था, अभी सपा का प्रचार करा रहा था, उसको टिकट चाहिए जाए जहां से जो भी चुनाव लड़ने का उद्देश्य हो उसका, तो वो जी अपना बैकग्राउंड तैयार कर रहा था कि भैया सपा को खुश करो, फिर आगे जाकर के हम अपना लाभ लेंगे। एक उनका पोस्ट भी तो था, वो कह रहे थे कि भाई हम तो जो है अब वहां रेट डालेंगे और वहां ये करेंगे, वहां लोगों से देखिए बताएंगे। ये जो सुनील यादव इनका बताएं, देखिए ये करते क्या क्या है, ये धरना कराते हैं, अच्छा ये अपने नेताजी के रैलियों में लोगों को उनका सपोर्ट करवाते हैं, अच्छा ये कोर्ट कचहरी करके चंदा लेते हैं, अच्छा और ये जो है बार बार मीटिंग करते रहते हैं, घुमा फिरा हाँ करके सब कुछ करते हैं, एक योजना पर काम करेंगे, अब वो असफल हुआ दूसरे पर जाएंगे, दूसरा असफल हुआ तीसरे, सब तीसरे पे असफल जाए हो, सफल कोई नहीं होता है। जी जैसे इन्होंने 2017 में जजमेंट आया, सारे शिक्षा मित्र उस जजमेंट को स्वीकार किए, फिर कोई जी कोर्ट हमें नहीं लगता है कि इतना भाग दौड़ कर रहा है, कोर्ट वाला काम कोई नहीं किया क्योंकि सबने स्वीकार कर लिया कि अब तो फैसला आ चुका है, हाँ जी कोई भी नेता भी नहीं फालतू किया कि नहीं अब हम फिर से कोर्ट जाएंगे, संविधान पीट जाएंगे, ऐसा नहीं हुआ। जी लेकिन इन्होंने क्या किया, 2017 में फाइनल जजमेंट आने के अच्छा बाद सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को हाई कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं, इनकी मूर्खता देखिए, तो जाहिर सी बात है। दादा ने फैसला सुनाया तो पोते के पास जा रहे तो हैं। हाई कोर्ट क्या करेगा भाई, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर वो क्या करेगा, खारिज कर सही दिया। बात है, वो ऑर्डर तो सर्वमान्य है साहब सुप्रीम कोर्ट का जो है, हाई कोर्ट क्या कर सकता है कोई सी भी ऑर्डर में अच्छा हाई कोर्ट ने खारिज जब किया तो अब जी। मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। अच्छा अब दोबारा फिर वही मतलब घुमा के वही ले गए। अब सुप्रीम कोर्ट गए, अब सोचिए 2017 में जिस जज ने जजमेंट दिया वो सीनियर जज थे, अब तुम दोबारा जब जा रहे हो सुप्रीम कोर्ट जी तो उनका जूनियर सुन रहा है, जी एक जूनियर है और एक उसी में का जो जजमेंट दिया है वही जज हैं, जी तो अब वहां भी खारिज हो गया, पहले डेट पर हमने कहा भी था पहले डेट पर खारिज होगा और हो भी गया। हाँ आपने आपने डाली में आपकी पोस्ट देखी थी मैंने उस संबंध में अच्छा अब उसके बाद क्या कहे, हम जी। संविधान अच्छा पीठ जाएंगे, उसके नाम पर चंदा वसूल कर लिया, आज तक वो संविधान पीठ ही जा रहा है। अच्छा हाँ अभी वो रैलियों में लोगों को बुलाया, जी सपा का प्रचार कराया, अब वो तो फेल हो गया प्लान, तो अच्छा अब क्या नया सिगुफा कि फलाने जज जो है इस तारीख को इस महीने में रिटायर हो रहे हैं, यही रोक करके सब गड़बड़ किया है, ये रिटायर हो रहा है उसके बाद हम लोग लेकर रहेंगे, मतलब अब ऐसे उल्लू बना रहा है, अब ऐसा बना रहे हैं, सही मतलब बात। इतना अकल नहीं है लोगों के पास कि ये सोचें कि जूनियर जज अपने सीनियर जज के जजमेंट पर कैसे जी वो कोई फैसला सुनवाई करेगा, क्यों सही बात है, करेगा। कैसे जो है उस चीज को मतलब हम वो कर देंगे अच्छा और कैंसिल दूसरी बात संविधान पीठ, मतलब जी। सालों हाई कोर्ट में जो केस चला हो, सालों सुप्रीम कोर्ट में जो केस चला हो, अब उस पर संविधान पीठ में पीठ क्यों तैयार होगी, उस पर बेंच क्यों बनेगा। सही बात है, ये बात सही है बिल्कुल, राम मंदिर जैसे मुद्दों पर बना नहीं, बना कश्मीर नहीं जैसे सही, मुद्दे पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, अब सही एक बात छोटा सा एक भर्ती का मुद्दा लेकर के संविधान पीठ, मतलब मूर्खों वाली बात करता है, और मूर्ख लोग हैं जो उसके पोस्ट पर लाइक कमेंट करते हैं और पैसा देते हैं, अच्छा। पैसा भी साहब खूब कमा लिया है मैंने सुना करोड़ों उन्होंने करोड़ों करोड़ों रुपया, हम उसको पहले दिन से जानते हैं, जब वो शुरुआत किया था 50 रुपए का कपड़ा शर्ट टी शर्ट पहनने वाला, आज जो अच्छा है 5,000 रुपए का शर्ट टी शर्ट पहनने लगा है, गाड़ी खरीद अच्छा लिया, घर बनवा लिया, उल्लू लोग पैसा दे रहे हैं बेवकूफ, तो वो क्या करे। अच्छा सर आप इनसे खूब फ्रेंड रहते हैं, मैंने आपकी पोस्टर में देखा भाई हमें ये लगता है कि भाई क्यों पैसा दे रहे हो, आपकी जो सही बात, डिग्री है वही डिग्री उसकी है, वो डिग्री क्यों उसको उनकी अपने है, से ज्यादा योग्य मान ले रहे हो आप। सही बात है, ये बात सही है सर आपकी। लोग
कहते हैं कि अंग्रेज चले गए, गुलामी खत्म हो गई, लेकिन वास्तविकता यह है कि लोग अपनी सोच के गुलाम है, सोच के मानसिकता बोला से गुलाम है। जी और जी गुलाम कोई बनाता नहीं है, गुलाम लोग खुद ही अपने आप को स्वीकार खुद करते हैं, बनते खुद हैं। स्वीकार करते हैं, सही बात है, खुद स्वीकार ऐसे लोग करते आते हैं। हैं, कुछ भी कहते हैं, लोग उनकी बातों में आकर के अपने आप सब कुछ सौंप देते हैं। हाँ भैया सुनील भैया जिंदाबाद, रिजवान अंसारी जिंदाबाद, गाजी मामाला जिंदाबाद। हाँ ये तो है सर। पता चला कि जिनका जिंदाबाद कर रहे थे आज तक टेट नहीं पास कर पाए, और जो जिंदाबाद हाँ कर रहे थे वो कितनी बार टेट पास करके वो बैठ गए। सही बात है, वो क्वालिफाइड थे, सही अभी लोग बात सुनील यादव की ही मार्कशीट सारी निकलवा के देख लें उनकी एकेडमी कैसी है, और अपनी देख लें, उनसे ज्यादा है। नंबर लोगों के पास होंगे। एक उनके साथ महिला भी तो है शायद कोई। अब वो महिलाओं पर मत जाइए नहीं तो बहुत सारी बातें खुल जाएंगी, हम नहीं मैं लिखते देख रहते याद आ हैं। गई भाई, मैंने आपकी पोस्टों में देखा है, फोटो वगैरह भी देखे हैं, और मतलब नाम मतलब वो भी देखा है, तो खैर चलो। जो महिला वाला कांड रहता है उस पर तो हम काफी कुछ लिख चुके हैं, अब नहीं बोलना चाहते हैं, उसमें हाँ महिलाओं को खराब लगता है, हाँ सही बात है, ये बात ठीक जबकि हम सच्चाई पर बात करते हैं कि है, ये सही बात है सर। धरना और इन चीजों के आड़ में क्या क्या कांड करते रहते हैं लोग। हाँ सही बात है सर, उन बातों को ओपनली करना ज्यादा ठीक ना है। अब जैसा भी जैसा जो कर रहा है सर, क्या करा जाए, अब आदमी जो समझते नहीं तो क्या करा जाए। लोग गंदगी करना पसंद करते हैं, लेकिन अगर गंदगी कोई सफाई कर रहा है उस इंसान को नहीं पसंद करते हैं। हाँ सही बात लोगों को गंदगी पसंद है, खूब गंदगी करेंगे, लेकिन अगर कोई इंसान सफाई कर रहा है तो उस जी इंसान से दूर रहना चाहते हैं, भैया ये गंदा है इससे दूर रहो। गंदा है, सही बात है, तो अब क्या कहा जाए, सही बात है। आएगा जो अच्छा दरवाजे पर सफाई वाला उसको कहेंगे भैया कूड़े वाला आया है। कूड़े वाला आया, सही बात, तो लोग तो अपनी सोच के गुलाम है, मानसिकता से गुलाम है। सही बात। अच्छा सर अपना होम डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है? हमारा बनारस है। अच्छा बनारस रहते हैं, चलिए साहब कभी आएंगे बनारस तो आपसे नमस्ते होगी, अरे फेस टू बिल्कुल आइए, फेस टू बिल्कुल स्वागत फेस। है, मुलाकात होगी बिल्कुल। एक हमारे विद्यालय में भी अंतर जनपदीय ट्रांसफर होके गए, इलाहाबाद के थे वो टीचर। अच्छा हाँ और वो उधर प्रतापगढ़ साइड में है उनका ब्लॉक, अच्छा अच्छा प्रतापगढ़ की बॉर्डर के आसपास है उनका पर्स। प्रतापगढ़ तो यहाँ से काफी दूर है। हाँ तो मैं उनसे ये कह रहा था, मन का भी तुम्हारा इलाहाबाद, इसका मतलब ये इलाहाबाद की सीमा और प्रतापगढ़ की क्या टच हाँ करती है एक हाँ दूसरे हाँ को? टच करती है। हाँ हाँ तो वो लास्ट पे ही है कहीं, तो परसों उनका कॉल आया था, तो वो कह रहे थे सर कैसे हैं? हम बोले सर बढ़िया हैं। बोले सर आप तो आने कह रहे थे इलाहाबाद, हम बोले भाई इलाहाबाद एकदम तो नहीं आया जाता है, प्लानिंग करनी पड़ती है, थोड़ा समय भी चाहिए, तो और जो है आएंगे तो मैं कभी आएंगे तो भाई तुम्हारे यहाँ जरूर आएंगे कप चाय पीने। तो बोले हाँ सर आइएगा जरूर, और हम तो बड़ा इंतजार कर रहे हैं। अच्छे थे आदमी, बेकार कहिए, काफी दिन रहे थे हमारे यहाँ, लगभग रहे थे 4 वर्ष रहे थे हमारे विद्यालय में। अच्छा। हाँ वो गांव में ही, हमारे गांव में एक मतलब रूम लेकर रहते थे रिटायर्ड टीचर के यहाँ, और रिटायर्ड टीचर के यहाँ कोई था ना, उनका बेटा था वो एक्सपायर हो गया, बेटियां थी उनकी शादी हो गई, तो ये दो लोग रहते थे, एक नौकर रहता था अपने आराम से जो है अच्छा रहते। हाँ अच्छा मैंने उन्हें ये सलाह दी थी, मैं कहा भाई तुम गांव में कमरा लेना चाह रहे हो तो तुम ऐसे उनके यहाँ ले लो, उनके यहाँ बच्चे उच्चे भी ना कोई, और तुम किसी फैमिली वाले के यहाँ लोगे तो देखो गांव में सैकड़ों तरह की बातें हैं कि देखो इसके इसके मास्टर रहे वह फला जगह का, ये वो है ये वो है, दुनियादारी की बातें रहेंगी। तो वो अपने वो मास्टर साहब हमारे अच्छे संपर्क की थे जिनका मकान था, तो बोले अरे भाई मास्टर साहब तुम आए हो ना कमरा दिलवाने तो ये आराम से रहते रहे, मैं इनसे कोई किराया भाड़ा नहीं लूंगा, और जैसे मैं रह रहा हूँ मेरे उसमें ही खाए पिए। तो उन्होंने बिल्कुल अपने ऐसा मान लो बेटी की तरह रखा था उन्हें। अच्छा। हाँ कई साल में गए थे वो। अच्छा। चलिए हाँ वैसे बड़ा हमसे अगर कभी कोई इन चीज़ों पर चर्चा करता है तो हमारा एक ही चीज़ कहना रहता है, आपका विद्यालय जहाँ हो जी और अपना आवास जहाँ बनाइए उसमें इतना गैप हो कि जी आपके पास आने के लिए किसी व्यक्ति को विशेष तौर पर सोचना पड़े, इतनी दूरी सोचना हो। पड़े। हाँ सही बात पता चला कि जहाँ विद्यालय वहीं बगल में ले लिए तो जी, आप वही घर की मुर्गी बन जाएंगे। घर के मुर्गी बन जाएंगे वो साहब, अभिभावक भी ये कहते हैं अरे ये तो घर में लौटते हैं आराम से, को पढ़ाते थोड़ेंगे इसमें, तो ऐसी नौबत भी नहीं आएगी जब दूर मकान होगा तो। ये बात सही है सर थोड़ा सा आपकी, देखिए हर रिश्ते में हर चीज में थोड़ा गैप जरूरी होता है। गैप जरूरी होता ये है, ये गैप बात जब खत्म होता है या बिल्कुल समाप्त तो या कम बिल्कुल हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। कि ये बात सही कह रहे हैं सर आप बिल्कुल। मास्टर साहब जो है अब रूम पर अपने हैं, वो किस अवस्था में रह रहे हैं क्या है वो सब देखेगा, हल्के मिलेगा फिर उनको।
हाँ सही बात है, ये भाई बात सही, पढ़ाने के अलावा भी उनकी भी पर्सनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, सही उनका बात मन है। करेगा मूवी देखें, उनका मन करता होगा अगर वो कुछ नशा पत्ती करते हैं तो वो करें, हाँ या कुछ भी सही, करें तो अब लोग देखेंगे तो कहेंगे अरे मास्टर देखें साहब तो ऐसे हैं। भाई ऐसी है, सही बात है, मास्टर साहब इंसान भी हैं, इंसान भी है भाई, अगर अध्यापक की जगह इंसान भी है वो। अगर कोई मास्टर साहब सिगरेट पी लेते हैं, अगर कोई मास्टर साहब पान गुटखा खा लेते हैं तो उसमें कौन सा वो बहुत बड़ा गुनाह कर दिए। बहुत सही बात है, ये बात सही कह रहे हो, तो दुनिया कर रही है भाई, वो भी इंसान है, उन्होंने भी कर लिया। उन्होंने भी कर लिया, सही अरे बात ऐसा इसी बात में कभी कभी अखबार में पढ़ने को मिल जाता, फलाने मास्टर साहब हाफ पैंट में घूम रहे थे तो ये ऐसा हो है। गया। ऐसा हो गया, सही बात है। तो अरे भाई हाफ पैंट में घूमे, धोती में घूमे, कहीं घूमे, सही बात है भाई, स्कूल में तो नहीं ना ऐसा कर रहे हैं वो, स्कूल में तो नहीं है वो, सही बात है, उनकी पर्सनल लाइफ है, वो पर्सनल लाइफ में अपना स्कूल टाइम के बाद कुछ भी करें, कुछ भी करें, सही बात है। बस कुछ अनैतिक चीजें ना हो रही हो, उस पर हाँ आपत्तिजनक ना हो बस। बस बस, और क्या है, सही बात है। बाकी ओढ़ना पहनना खाने पीने से कोई इतना वो ना भाई, वो भी तो अपने जीवन जीना होने भी, तो बस वही देखिए, शिक्षा में तो क्या थोड़ा सा जो मानसिक तौर पे वैल्यू कम है लोगों के दिमाग में, क्यों है, जी। शिक्षा में तो वही स्कूल में है और वही उसका घर है, वही वही घर, चाचा है, भैया है, फलाने ढिकाने, और फिर वही स्कूल में भी मिल रहे हैं हाँ तो सही लोग बात वैल्यू है, नहीं कर रहे हैं, और वही 100 किलोमीटर दूर से कोई आएगा अरे मास्टर जी हूँ हाँ सही बात है सर, तो वैल्यू देते हैं, तो डिस्टेंस होना जरूरी है। डिस्टेंस होना जरूरी है, ये बात सही है सर, सभी शिक्षा मित्रों को और अन्य सभी टीचरों को, सबको समझना चाहिए कि एक गैप बना के रखना चाहिए फैमिली से, लोकल लोगों से, हर कोई भाई मिलिए जुलिए सबसे, सब कीजिए, लेकिन एक टाइम में। टाइम में, सही बात है, ऐसा नहीं है कि बस हलवा हुआ है कि अरे चलो मास्टर जी के यहाँ आज मिल के आवल जाए, हाईकमान उनसे करवा लेंगे, तुरंत ही पहुंच हाँ गए, रात के सही ग्यारह बात बजे भी पहुंच दरवाजा खटखटा दिए, है, हाँ सही ऐसा बात नहीं है, होना चाहिए ऐसा नहीं टाइम। होना चाहिए। चलिए काफी यस बातें हो गई हैं, हाँ सर, काफी हो आपका गई। मैसेज आया तो हमका थोड़ा चर्चा हो जाए इस पर। हाँ, चर्चा चलिए, हो जाने से, मैं चर्चा हो जाने चर्चा हो से ये जाने होता से, है सही ना, बात है, हाँ लोगों तक तो ये चीजें जाती हैं जी तो जी थोड़ा सा उनके अंदर पॉजिटिविटी आती है, जी, बिल्कुल। नहीं तो नेगेटिव बातें करने वाले तो दुनिया भर के पड़े हैं। कल एक हमारी साथी हैं, महिला शिक्षा मित्र हैं, उनका फोन आया था, स्कूल में था मैं, तो मुझसे कह रही कि भैया क्या हो रहा है, मैं बोला स्कूल में हूँ, कुछ नहीं हो रहा, पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो बोले अब क्या होगा, उन्होंने ये सवाल मुझसे करा, अच्छा तो मैंने ये कहा अमन की तुम्हारे दिमाग में इसका मतलब निगेटिविटी ज्यादा है, नहीं, तुम सम उन्होंने सवाल किया अब क्या होगा, यानी कि अब से उनका तात्पर्य वही चुनाव के हाँ बाद। वो चुनाव के बाद, हाँ मैं समझ गया उनके बाद, तो मैंने ये कहा मैं समय निकाल के आता, तुम मेरे विद्यालय में आओ या मेरे घर आओ, या मैं किसी दिन समय मिलता तब तुम्हें बैठ कर तसल्ली से समझाऊंगा। मैंने उनसे पूछा, जैसे आप पूछते हैं कभी कभी किसी से सवाल कर, नई शिक्षा नीति पढ़ी क्या या ये पढ़ा क्या, तो मैंने उनसे ये पूछा, मैं बोला तुमने कभी नई शिक्षा नीति पढ़ी, मैं बोले बोली नहीं पढ़ी, मैं बोला तुम्हारी ट्रेनिंग हो गई, बोले नहीं हुई, तो मैं बोला तुम अब पेपर पढ़ती हो, बोले मैं पेपर भी नहीं पढ़ती, मैंने कहा मैं किसी ग्रुप से जुड़ी हुई हो, बोले नहीं मैं अपने अपने ही ग्रुप से जुड़ी हूँ, खाली शिक्षा मित्रों के ग्रुप से, और वो भी मैं सिर्फ जो है कभी कभार खोल के देखती हूँ, तो मैंने कहा मैं यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमी है, जब तुम एंड्रॉयड फोन चलाती हो उसमें डाटा भी खर्च कर रही हो, फोन में बैटरी भी खर्च कर रही हो, फोन भी साथ रखते हो, तो तुम चलो ग्रुप में तो एक में जुड़ी हुई हो, लेकिन अगर कोई अच्छा ग्रुप है, आज आज तुम हमसे फोन करके पूछ रही हो, तो हमसे ये भी तो कह सकती हो भैया कोई सही सूचना वाला ग्रुप हो हमें जुड़वाओ, या कहाँ से ठीक ठीक सूचनाएं मिलती हैं, तो मैं कैसे सूचनाएं मिलती हैं हमें भी वो रास्ता बताओ, तो बोले हाँ तुम्हें तो बहुत सूचनाएं मिलती हैं, तो मैं बोला हाँ मिलती हैं, तो तुम भी रास्ता वही अपना लो ना जो मैंने अपनाया है, तुम भी ऐसे ऐसे एक चैनल है उस पे सब्सक्राइब करो, तुम्हें भी मतलब मिलेंगी, तो बोले हाँ मैंने करा तो था, तुमने भी कई सारी पोस्ट मुझे डाल दी, कहीं ने सुनी हो, और तुम्हारी भी बात हुई थी, क्या है अब वो क्या कह रहे हैं, मतलब एक नॉर्मल वाली बात के क्या कह रहे एक्चुअली हैं। एक्चुअली 99% लोग मलाई खाना चाहते हैं बस। हाँ तो मैंने उन्हें समझाया, मैं बोला देखिए ऐसे कह रही हो कि क्या कह रहे हैं, तो एकदम से तो तुम्हारे समझ में नहीं आएगी कोई सी भी चीज, उसके लिए तुम्हें कुछ अपने आप भी अध्ययन करना पड़ेगा, कुछ लोगों से सवाल करने होंगे, उनको उत्तर तुम्हें मिलेंगे, तब तुम्हारे कुछ समझ में आएगा, तो बोले तुम ही बता दो क्या क्या है, तो मैं बोला ऐसे मैं तुमसे कह दूंगा तुम कल को मास्टरनी का लेटर मिलेगा तुम्हें मास्टर बनने का, तुम कह दोगी कि हाँ ठीक है अच्छी बात, और मैं तुमसे कह दूंगा हो सके अभी ना मिलेगा 3 साल, तो तुम कहोगी तो तुम निराश हो जाओगी,
और एग्जिट कोई टाइम बता नहीं सकता क्या है। तो मैं बोला ये ट्रेनिंग चल रही है, मेरी भी ट्रेनिंग होगी और तुम्हारी भी होगी और लोगों की चल रही है, इस ट्रेनिंग से ही हमें तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा, धीरे धीरे ऐसी काम होते जाएंगे। बोले अरे वैसे तो 5 साल हो गए, देखते 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 देखते। तो मैं बोला 5 साल हो गए, किसी काम को होने के लिए समय की आवश्यकता होती है। ये जब बच्चा पैदा होता है तो एकदम से ना तो चलना जानता, ना बोलता, ना फिरता, ना कुछ करता हो। धीरे धीरे तो वो उम्र बढ़ती है, धीरे धीरे सब कुछ करता है वो। अब भाई एक पॉलिसी लाई है सरकार, तो वो पॉलिसी ऐसा तो है ना कि घर में से कोई काम था, दो लोगों ने, घर के परिवार वालों ने सलाह करी, बोले ये काम कर लो तो हो गया। ये पूरे देश का मैटर है और देश के लिए, ऐसा ना है कि तुम्हारे एक राज्य के बारे में सोच लिया, सभी राज्यों को ध्यान में रख करके जब एक पॉलिसी बनाई गई है। तो बोली क्या वो तुम्हें कुछ लगता है? तो मैं बोला मुझे तो बहुत कुछ लगता है, मैं तो भाई बिल्कुल क्लियर हूं और मेरे दिमाग में तो कोई निगेटिविटी नहीं है। हाँ इतना है कि समय लग सकता है, ये मैं मानता हूँ कि अभी समय लग सकता है। तो बोली क्या वो अच्छा चलो देखेंगे तुम्हारी बात भी, मैं देख देखना नहीं पहले ट्रेनिंग करो। और ट्रेनिंग में जो मैं बता रहा हूँ 2-4 पॉइंट तो मैंने नई शिक्षा नीति के प्री प्राइमरी के और प्राइमरी के तुम्हें खुद मिल जाएंगे सुनने। अब मैंने आज ट्रेनिंग करी तो वो सब चीजें निकल के आ रही थी, तो मैंने तो उन्हें मतलब जो है बताया। मैं बोला भाई मैंने आज फिर फोन करा उन्हें, मैं बोला तुम्हारी ट्रेनिंग हो गई? बोले अभी तो नहीं हुई है, इस बैच में भी नहीं हो रही। तो मैं बोला अगले बैच में होगी और जब तुम्हें पूरा समझ में आ जाएगा, ट्रेनिंग ध्यान से कर लेना बस। तो ऐसे भी लोग हैं जो अभी भी कहीं से जुड़े हुए ना है, कोई सूचना नहीं मिलती, तब इसलिए ज्यादा निगेटिविटी रहती है उनके दिमाग में। अभी जैसे ये चुनाव रिजल्ट आए हैं जी उसके बाद से मेरे व्हाट्सएप पर जी लोगों के इतने मैसेज भरमार लगे हुए हैं, अचानक से लोगों की भीड़ आनी, सर हमें भी ग्रुप में जोड़ लीजिए, ग्रुप में जोड़िए। कोई शिक्षा मित्र है, कोई बीएड 2011 वाला है, कोई कुछ है। जी अब उनके दिमाग में जो फितूर भरा गया था वो सारे खत्म जी हो गए, जी अब उनके पास कुछ बचा नहीं है। जी जी तो बहुत सारे लोग ग्रुप छोड़कर गए थे, बहुत सारे लोग जो है भ्रम में थे, अब वो सब आ रहे हैं, सर हमको भी ग्रुप में जोड़ लीजिए, सर हमें भी जोड़ जोड़ना लीजिए है। तो जी लोग जो है जो दूसरे नेगेटिव बात करने वाले हैं या मिसगाइड करने वाले हैं जी उन पर भरोसा जल्दी कर लेते हैं। जल्दी कर लेते हैं, सही बात है। से और कहा भी जाता है अच्छी चीजें जल्दी नहीं समझ में आती हैं, गलत नहीं चीजें जो आती। है किसी को भी गलत रास्ता बताइए, ऐसे ऐसे करके पैसा कमा लो, ऐसे करके ये कर लो, बड़ा जल्दी हाँ से उसको समझ में आ जाएगा। अच्छा सर, कुछ लोग ज्यादा ये भी हैं कि बस एकदम मलाई खाने मिल जा, हड़िया में से निकाल के दूध नीचे का जो है उससे कोई मतलब नहीं है, एकदम मलाई मिल जाए, एकदम लेटर दे दे बस सरकार। अरे वो उसकी उसके लिए समझना नहीं पड़ोस चाहते ना सिस्टम को, कि हाँ सिस्टम काम कैसे करता है। हमारे काम कैसे पूछने करता, से, हमारे सोचने चाहने से सिस्टम नहीं चलेगा। सही बात है सर, सिस्टम क्या है उसको समझना होगा और हमें उसके अनुसार चलना होगा। सही बात है चलिए धीरे जी। धीरे समझेंगे लोग, हाँ बदलाव आ धीरे रहा है। धीरे 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 समझ जाएंगे, सही बात जैसे है आप भी हैं शिक्षा मित्र, आप समझे ऐसे, और शिक्षा मित्र समझ रहे हैं, धीरे धीरे एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, सभी समझ जाएंगे। और जिस दिन हो जाएगा ये कंप्लीट, जी। उसके बाद किसी भी शिक्षा मित्र से आप बात करेंगे तो सबका बात व्यवहार बदल चुका होगा, सब बदल चुका पॉजिटिव होगा, हो सही चुके बात। होंगे हो जाने के बाद। अच्छा सर एक बात हो रही निगेटिविटी की, जब निराशा ज्यादा टाइम तक रह जाती है तो आप तो जानते हैं, बाल मनोविज्ञान भी कहता है कि जब ज्यादा समय तक आदमी निराश रहता है तो दिमाग में सही सोचने की शक्ति भी धीरे धीरे हाँ कम होती चली जाती है उसकी। खत्म होती चली जाती है। सही चीजें भी, हाँ सही चीजें सामने हैं लेकिन फिर भी हम देख नहीं पाते, समझ नहीं देख नहीं पाते। पाते कि हाँ भाई ये लगता है, अरे ये भी ये कुछ ना है, ये तो बेकार है। तो यही है बस कि अब शिक्षा मित्रों का हमारा सम्मान रद्द हो गया तो लोगों के दिमाग में खैर निगेटिविटी तो यह पैदा हो गई कि इतना कुछ होने के बाद ऐसा हो गया तो अब एकदम से कैसा हो जाएगा। लोग ये कहते हैं एकदम से कैसा हो जाएगा, वहां से रद्द हो गया और ये है वो है, भाई हम तो नहीं मानते। तो वो ही है दिमाग में बस, और ये क्या है। एकदम से उनको दिख रहा है जो कि जाते हैं सिनेमा हॉल में बैठते हैं 100 200 दे करके और मूवी देख के आ जाते हैं। उनको ये नहीं पता उस मूवी को तैयार करने में हाँ कितने कितना सर कितना समय लगा है। कितना समय लगा है, सही बात है। तो 2017 में जजमेंट आया, 2019 में मसौदा तैयार हुआ नई शिक्षा नीति का, 2020 में लागू हुआ है। जी इन सब में क्या क्या हुआ है, जो क्या क्या हुआ कुछ है, चल सही रहा है बात वो तो उनको पता ही नहीं है। जी।
ये ट्रेनिंग वेनिंग जो कुछ भी चल रहा है सब उसी का पार्ट है। उसी के पार्ट है, सही बात है अगर सर। देखा जाए तो अभी हम लोग जो चर्चा कर रहे थे कि नियुक्तियां जो हुई हैं खंड शिक्षा अधिकारी वगैरह, हाँ कहीं ना कहीं वो भी इसी का पार्ट है। वो भी इसी का पार्ट है, ये बात सब सही कह रहे हैं सर। सब तो उसी का पार्ट है, नई शिक्षा नीति का ही, शिक्षा व्यवस्था का ही पार्ट है, वो भी है, ये कायाकल्प हुआ है स्कूल में, ये भी उसी में सब से, उसी का पार्ट है। तो सब जब हम उसी का पार्ट। देखेंगे हमारी आंखों के सामने ही सब हो रहा है, लेकिन हम जी सबको देखेंगे और एक ये पजल है जब सबको आपस में जोड़ करके हम समझना चाहेंगे कि यहाँ ये हो रहा है, वहां वो हो रहा है, आज ये हो रहा है, कल वो हुआ था, परसों ये हो रहा है, तो जब सबको एक साथ करके देखेंगे सब क्लियर दिखेगा। लेकिन देखें तब तो कोई, हाँ सही बात है, चलिए ये काफी ठीक रात हो गई है, ठीक है कोई सर, बात ठीक होगी। है ठीक है। गुड नाइट सर, गुड नाइट। ठीक है।